असामाजिक तत्वों ने आईडी हैक कर करी अमृत टिप्पणी का डीसीसी महासचिव नौरत गुर्जर ने नौरत गुर्जर पर लगाए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर अमृत टिप्पणी करने का आरोप, यूथ कांग्रेस में भारी रोष व्याप्त। कल रात करीब 1:30 बजे डीसीसी के महासचिव नौरत गुर्जर और एनएसयूए के प्रदेश मंत्री सर्वेश पारिक की आईडी से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर आज सुबह यूथ कांग्रेस के गांधी भवन चौराहे पर दोनों का पुतला फूंककर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन से दोनों को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। इस पर आज नौरत गुर्जर ने अपने बयान में कहा कि ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। नौरत गुर्जर ने यह भी कहा कि उनकी आईडी नौरत गुर्जर नसीराबाद की आईडी हैक हुई है और किसी असामाजिक तत्व ने यह काम किया है। गुर्जर ने यह भी कहा कि मेरे पास फोन आया तो मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर सबको ये भी कहा कि मेरी आईडी हैक हुई है। कल मेरी जो नसीराबाद की जो आईडी थी फेसबुक पर, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ जो लोग थे, हो सकता है वो चाहे पार्टी के हो या पार्टी के बाहर के लोग, लेकिन जिन्होंने भी साजिश रच के जो हमारे मेरी जो नसीराबाद नौरत गुर्जर नसीराबाद के नाम से आईडी थी फेसबुक पे, उस पर कुछ गलत टिप्पणी डाली थी। उसका मैंने उसी समय जब मुझे पता लगा, कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि आपकी फेसबुक पे किसी ने गलत टिप्पणी डाली है, हमारी फेसबुक को हैक करके, उसकी शिकायत हम सक्षम जो कार्रवाई कर सकते हैं साइबर क्राइम में उसमें दी है, और निश्चित तौर पर वो जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब जो बाढ़ है वही खेत को खाने लग जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें किसी से ये सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग राहुल जी के प्रति वफादार हैं या नहीं है। राहुल जी हमारे सम्माननीय नेता है, हमारे आदर्श है और वो रहेंगे। लेकिन जो भ्रामक जो गलत चोरी और सीनाजोरी, पहले तो इन्होंने गलत टिप्पणी डाली और इसके बाद में जो लोग इस तरह का विरोध करके जो माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जो अजमेर शहर कांग्रेस के अंदर, मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम लोग सदैव, हमने पिछले 10-15 सालों में 2000 से लेकर के 2018 साल हो गए, हमने कांग्रेस पार्टी में निष्ठा से काम किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन जो लोग ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि छुट भई है नेता, कि वो हम उनसे जा करके और उनकी गुलामी करें, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। और जो भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम या किसी भी प्रकार का जो गलत काम हो रहा है तो हम उसका जरूर विरोध कर रहे हैं, और ये विशेष रूप से किसी की कार्यशैली का विरोध है। और जो हमारे राहुल जी या सामान्य प्रदेश नेतृत्व है, उनमें किसी का भी, हमारे वो आदर्श है सब लोग और पार्टी के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है, लेकिन जिस तरह से जो 10 मिनट का स्क्रीनशॉट लेकर के और जो हमारी फेसबुक आईडी को हैक करके और वो छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में नौरत गुर्जर जो नसीराबाद से या कहीं और से, जहाँ से भी हमारी पार्टी हमें टिकट दे करके प्रत्याशी बनाना चाहती है एमएलए का, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि एमएलए नहीं बने उनकी लोकप्रियता से वो, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने एनएसवाई के अंदर पिछले 8 साल तक जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया, कांग्रेस में पार्षद दल के रूप में, सचेतक के रूप में काम किया, अभी भी हमारी यहाँ पर माताजी पार्षद है, मैं डीसीसी में जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इस तरह की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, जिस तरह की इन्होंने जो हमारे फेसबुक पर जो टिप्पणी डाली है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो ओछी हरकत और शरारती हरकतें कर रहे हैं, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी भी सूरत में जो ओछी हरकत कर रहे हैं और जो छिछोरपंथी लोग कर रहे हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूथ कांग्रेस का कहना है कि रात को 1:30 बजे, मतलब कि आपकी पोस्ट डाली जाती है और रात को 1:30 बजे हटा दी भी जाती है, नहीं, और यदि ये गलत बात है। ये कल दिन में डाली थी जिसने भी डाली, और हमने तुरंत जैसे ही हमें पता लगा तो हमने डिलीट कर दी, और उसमें हमने फेसबुक पे लिख भी दिया कि किसी व्यक्ति ने हैक करके ये गलत हमारी डाली है, डिलीट करी है। और उसके पहले भी हमने बहुत सी हमारी पोस्टें डाली हुई है जिसमें राहुल जी के जन्मदिन की बधाई दी गई है, क्योंकि राहुल जी सर्वमान्य नेता है और हमारे देश के आने वाले भविष्य है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन ये लोग जो बतंगड़ बनाना चाह रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी पार्टी से ज़्यादा जो हमारे अंदरूनी जो लोग हैं वही इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और वो किसकी सह पे कर रहे हैं वो भी मुझे पता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, संगठन में हम उचित मंच पर ये बात रखेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। और ऐसे यदि लोग हरकत करेंगे, जो खुद जो आपराधिक तत्व है वो इस तरह की मेरे से इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत पोस्ट डाली है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि मैं कोई गलत पोस्ट डाल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ और मैंने इस बात का तुरंत उसी समय खंडन कर दिया था, लेकिन इसको हवा देने के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको हवा देने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर
दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और किसी भी सूरत में कोई व्यक्ति ये सोचे कि गुलामी तो हमने आज तक करी नहीं है किसी की, और एक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में हमने राजनीति करी है और स्वच्छ राजनीति करी। इसी ऐसी छिछोरपंथी में न तो करता हूँ न आगे करूँगा, लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं कोई लोग, उनको भी हर हालत में उनको जवाब दिया जाए। मतलब कि उनका कहना है कि खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करेंगे साइबर ब्रांच में, और जो भी आईटी सेल में जो क्राइम बनता है, जो साइबर क्राइम, उसके तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। यूथ कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अगर नॉर्थ गुजर की आईडी हैक हुई तो सर्वेश पारेख की आईडी से भी ऐसी टिप्पणी की गई है, जिस पर गुजर का कहना है कि हमारी दोनों की आईडी हैक हुई थी। एक का हैक हो सकता है, नॉर्थ गुजर का हैक हो गया, सर्वेश पारेख का भी हैक तो हो सकता है। बिल्कुल, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? मेरी पांच आईडिया है, पांच आईडी मेरे ने बना रखी है अलग अलग समर्थकों ने। ज्यादातर समर्थक लोग इसको यूज कर रहे हैं और वही इसको चलाते हैं, तो इन्होंने उनके जो पासवर्ड किसी ने पता करके इस तरह की आईडी हैक करी है। तो इसमें निश्चित तौर पे हम दोनों साथ ही रहते हैं, और साथ में आईडी जिसने भी पासवर्ड दोनों के पता करके इन्होंने डाली है, जैसे ही हमें पता लगा हमने 10 मिनट में उसको डिलीट करवाया है और हमने उसकी शिकायत भी करी है। आज सारे मीडिया के अंदर आपने देखा, भास्कर अखबार और पत्रिका, हमने सब में उनको बता भी दिया था कि हमारी आईडी को हैक करके इस तरह का कोई जो असामाजिक तत्व हरकत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, निंदनीय है, और इसको जो हवा दे रहे हैं जो लोग, वो पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो खुद लोग हैं हमारी पार्टी के, वही लोग ऐसी हरकत करेंगे तो इससे बड़ा निंदनीय कोई बात हो नहीं सकता। गुजर ने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि मैं जानता हूँ ये कौन करवा रहा है। गुजर ने कहा कि जिस किसी ने भी ये करा है उसकी जानकारी लगाई जाएगी, और वो जिसकी सैप पे कर रहे हैं, चाहे शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति, और वो खुद अपने डीसीसी के पदाधिकारियों के खिलाफ इस तरह की हरकत करवाए, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? क्या इसकी जानकारी आपने आला अधिकारियों को दे दी है? हाँ बिल्कुल, मैंने को दिया आपने? मैंने बिल्कुल, जो मेरे फेसबुक आईडी पे जो गलत पोस्ट डाली है उसके लिए तो मैंने सक्षम जो कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है, और बाकी जो आला अधिकारी है उनको मैंने बता दिया है कि किसी शरारती तत्व ने मेरे फेसबुक पे जो फेक आईडी से इस तरह की जो न्यूज़ डाली है वो गलत है, और इसका मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितना निष्ठावान हूँ और कितना वफादार हूँ कांग्रेस के प्रति, क्योंकि वो मेरा काम बोलता है पिछले 20 सालों का।